शहर हो या गांव, सभी खबरों पर होगी हमारी नजर। राजनीतिक, सांस्कृतिक, खेलकूद, क्राइम, सामाजिक, एजुकेशन, धार्मिक, सभी तरह की खबरें देखिए। बहादुरगढ़ से पत्रकार दीपक सैनी की रिपोर्ट पेश करते हैं आज की खबरें। बहादुरगढ़ शहर में 3 जुलाई मंगलवार को लाइन पार डिगी वाले रोड पर स्थित चाक धर्मशाला में भवन एवं सन्निर्माण कामगार संघ हरियाणा के विशेष पंजीकृत अभियान के तहत मजदूर जागरूकता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मजदूर जागरूकता सम्मेलन कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष श्री सुरेंद्र ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। वहीं इस आयोजन में मुख्य अतिथि प्रदेश अध्यक्ष श्री सुरेंद्र ठाकुर का कार्यक्रम में पहुंचने पर फूल माला व बुके देकर स्वागत किया गया। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रदेश संगठन मंत्री विक्रम चौहान, कार्यकारिणी अध्यक्ष दलबीर खटक, प्रदेश कोषाध्यक्ष सुरेंद्र कैथल व रोहताश यादव मेंबर HBOC WWB भी इस कार्यक्रम में पहुंचे। इस मजदूर जागरूकता सम्मेलन के आयोजन पर बहादुरगढ़ की नई कार्यकारिणी का गठन भी किया। नई कार्यकारिणी में बहादुरगढ़ से जगनिवास को प्रधान, प्रवीण चोपड़ा को उपप्रधान, दीपक सैनी को सेक्रेटरी और उषा रानी को सदस्य के तौर पर नियुक्त किया। वहीं इस सम्मेलन कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में सदस्य मौजूद रहे। वहीं प्रदेश अध्यक्ष श्री सुरेंद्र ठाकुर ने कहा कि जिस तरह से मीडिया मजदूरों के हितों की आवाज उठा रही है, उसका वह तहदिल से धन्यवाद करते हैं। इस कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष श्री सुरेंद्र ठाकुर ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि वह मजदूर वर्ग के हितों की लड़ाई लड़ने के लिए हर संभव प्रयास मदद करने का आश्वासन भी दिया और मजदूरों के लिए विशेष पंजीकरण अभियान की शुरुआत भी की। वहीं इस मजदूर जागरूकता अभियान में सरकार द्वारा मजदूरों को अपना पंजीकरण करवाना चाहिए। वहीं इस मौके पर उनका लोगों को क्या संदेश देंगे इस कार्यक्रम के जरिए? आज का कार्यक्रम तहसील बहादुरगढ़ की मजदूरों की समस्याओं को देखते हुए यहाँ पर एक भवन में सन्निर्माण कामगार संघ हरियाणा संबंधित भारतीय मजदूर संघ की एक कार्यकारिणी का जो गठन करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। और यहाँ जो है श्रम कल्याण बोर्ड के माध्यम से जितनी भी योजनाएं हैं उनको हम बताएंगे कि ये योजनाएं जो मजदूरों के लिए बनाई गई हैं, मजदूरों का इन पर हक है और इनका लाभ मिले, इसलिए हम यहाँ पर पहुँचे हैं। और जितनी भी योजनाएं हैं आज से पूर्व की सरकारों में ये योजनाएं मजदूरों तक अच्छी तरीके से नहीं मिल पाई, और जब से हम इस बोर्ड के मेंबर बने हैं तब से हमने इन योजनाओं के लिए गांव-गांव में जाकर, शहर शहर में जाकर एक अंत्योदय मेला के नाम से जो है जागरूक अभियान जो छेड़ा हुआ है, जो प्रत्येक ज़िले में हम जा जाके इनको बताते हैं। तो पूरे हरियाणा प्रदेश में कितने लोगों को फायदा हुआ है मजदूर वर्ग? हरियाणा प्रदेश में पिछली सरकारों में जो है 10 साल के कार्यकाल में 19,000 आदमियों का पंजीकरण हो पाया और उनको 24 करोड़ रुपया ही मिल पाया था। आज जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और हम इस बोर्ड के मेंबर बने तो लगभग 7.5 लाख मजदूरों का पंजीकरण कर चुके हैं खुले अभियान के तहत, और 400 करोड़ रुपये के लगभग हम मजदूरों को बांट चुके हैं। तो इससे महिलाओं को क्या लाभ हो रहा है सर इस योजना से? महिलाओं को के लिए इसमें जो है प्रधान मुख्य बीमा के तहत उनको जो है 5100 रुपये हर साल महिलाओं को अपने साड़ी सूट के लिए दे रही, 3500 रुपये सिलाई मशीन के देने लग रहे हैं। मुख्यमंत्री जी की सोच है महिलाएं जो है घर पर बैठकर जो अपना जो सिलाई के माध्यम से घर का गुजारा कर सके, और उनके कपड़े वगैरह के लिए, उनके बच्चों के लिए छात्रवृत्ति दी जा रही है। और पिछली सरकारों के बारे में बताना चाहता हूँ, इन योजनाओं में ऐसा काम किया होता ना नोवण तेल होए ना रादा नाचे, कंडीशन ऐसी लगाई हुई थी। सरकार ने कहा, कांग्रेस सरकार ने, कि भाई इनको जो है साइकिल के लिए, औजारों के लिए, सिलाई मशीन के लिए भी आप पहले खरीदें और उसके बाद हमारे को बिल दें, तब आपको लाभ मिलेगा। हमने इस सरकार को बताया कि हमारे मजदूरों के पास इतना पैसा नहीं होता जो है वो अपने औजार खरीदे, साइकिल खरीदे, इसलिए इस सरकार के श्रम मंत्री श्री नायब सिंह जी सैनी ने हमारी बात को माना और उस दिन से सीधे खाते में पैसे डालने के लिए काम किया है। और आप सर बोर्ड के मेंबर भी हैं, तो आज बहादुरगढ़ वासियों को जहाँ यहाँ पर आयोजन कर रहे हैं, तो आज ये खास क्या आप जो है बातों पर जो लोगों को बताएंगे? खास बातों पर ये है कि हमने जो है बोर्ड की मीटिंग में जो है मजदूरों के लिए जो है नई नई योजना के बारे में जो है पास किया है,
उन नई योजनाओं के बारे में भी आज हम उनको बताने जा रहे हैं। जैसे कि छात्रवृत्ति योजना है, जो पिछली सरकार 8वीं कक्षा को पास करके 50% नंबरों की कंडीशन थी तब छात्रवृत्ति मिलेगी, ऐसी मिलती नहीं थी। हमने जो मुख्यमंत्री जी को बताया कि भाई ये जो योजना है इनका लाभ नहीं मिल पा रहा, तो मुख्यमंत्री जी ने बताया भाई कैसे करें। हमने उनको बताया भाई बिना नंबरों के आधार पर पहली कक्षा से इनको लाभ मिलना चाहिए। तो आज जो है पहली कक्षा से बिना नंबरों के आधार से 8वीं तक 8,000 रुपये, 9वीं-10वीं के लिए जो 10,000 रुपये, और ग्रेजुएशन में जब एडमिशन लेता है तो उसके अंदर जो है 15,000 रुपये, और जिस श्रमिक का बच्चा जब एमए क्लास में एडमिशन लेता है तो 20,000 रुपये हर साल में भर्ती देने का काम जो है मुख्यमंत्री मोदी जी ने लागू किया है। कन्यादान जो पिछली सरकार में 51,000 रुपये मिलता था, तो हमने बताया मुख्यमंत्री जी को 51,000 रुपये उनको गुजारा नहीं था। आज हमारी सरकार ने 51,000 रुपये कन्यादान और साथ में उसकी जो आर्थिक सहायता के लिए 50,000 रुपये अलग से, टोटल 1,01,000 रुपये देना शुरू कर दिया है। औजारों के बारे में बताना चाहूँ, पिछली सरकारों के लिए 5,000 रुपये लोन टाइप में बोला था, आज ये सरकार जो है 8,000 रुपये अनुदान टाइप में जो है देती है। मृत्यु लाभ भी जो है पहले 1,00,000 रुपये था, आज 2,00,000 रुपये उसको कर दिया है। अभी जो है मजदूरों के लिए हम एक विशेष कार्य करने जा रहे हैं। हमारा मजदूर है असंगठित, उसको संगठित करने के लिए हम जो है हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है स्कूल खोलने जा रहे हैं, ताकि वो वहाँ पर शिक्षण लेकर वो जो है अच्छी तरीके से कार्य कर सके। तो सर मजदूरों को इस आम्र को कैसे जोड़ेंगे इस मुख्य धारा में? मजदूरों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए हमने जो है कल जो 2 जुलाई से एक खुला अभियान छेड़ा है सरकार ने, कि जो प्रत्येक लेबर चौकों पर जाके इसको जो है पूरा अवेयरनेस करें और साथ में उनका खुला पंजीकरण करें, ताकि उनको लाभ मिल सके। धन्यवाद। मजदूरों का जो अवेयरनेस के लिए जो है आज मीडिया ने हमारा बहुत सहयोग किया है। मीडिया की एक अहम भूमिका होती है कि जो मजदूरों को जागरूक करने के लिए, जब भी हम वहाँ पर जाते हैं तो मीडिया वाले जो है हमारी खबरों को इसमें मजदूरों के बारे में लोगों को भी बताते हैं, और मीडिया के माध्यम से भी जो प्रचार प्रसार करते हैं। मीडिया वालों को भी हम तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। हो या गांव, सभी खबरों पर होगी हमारी नजर। राजनीतिक, सांस्कृतिक, खेलकूद, क्राइम, सामाजिक, एजुकेशन, धार्मिक, सभी तरह की खबरें।